राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज देखते हैं मेरी रसोई में क्या बन रहा है। ये मैंने मूंगफलियां ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी व्रत रहते हैं और नवमी की नवमी को कंचिका खिलाते हैं, कहीं कहीं सप्तमी व्रत रहते हैं और अष्टमी की कंचक खिला देते हैं। ये मैं, आप लोग व्रत रखते हैं 9 दिन तक? अगर व्रत रखते हैं तो आप चाय के साथ क्या क्या स्नैक्स लेते हैं? मैं आज उसी में से एक स्नैक्स आपको बनाना सिखा रही हूँ। मैंने सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डाला है, उसमें ये मूंगफलियों के दाने फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे चटकने लगे हैं और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये बड़ा वाला साबूदाना है, इसको भी हम घी में फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई होने के बाद ये घी के अंदर कितने बड़े हो रहे हैं। ये धीमी आंच पे आपको तलने हैं, नहीं तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। जब इनमें से ना तिड़िक तिड़िक की आवाज आती, तड़क तड़क की आवाज आनी बंद हो जाए, तब आप ये समझना ये हमारे अंदर से अंदर तक सिक गए हैं। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल लेंगे। अब इसमें मखाने डाल देंगे। मखाने भी हमें आप ने धीमी ही आंच पे तलने हैं। इस तरह से हाथ से तोड़ के देख लेना, अभी हुए नहीं है ये। मखाने तलने में थोड़ा ज्यादा घी लगता है, पर मैं थोड़े ही घी में कर लेती हूँ इनको, ऐसे धीमे ही आंच पे अलटते पलटते हुए। ये हमारे हो चुके हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल दी। अब इसमें थोड़ा सा घी और डालते हैं। इसमें थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू। बादाम मैंने इसलिए पहले डाल दिए क्योंकि बादाम सिकने में थोड़ा टाइम लगता है और काजू सिकने में टाइम कम लगता है।
ये भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे काजू बादाम, मखाने, साबूदाने, मूंगफली के दाने, इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हैं अगर आपको खानी पसंद है तो, और इसको मिक्स कर लें। इसमें अगर आप व्रत में जैसे कई बार नमक खा लेते हैं तो आप इसमें नमक, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग क्या, मैं जैसे मैं खुद हूँ, मैं सिर्फ शाम को एक ही बार नमक खाती हूँ व्रत में, लेकिन कई लोगों को जैसे बीपी की शिकायत है या वैसे कोई शिकायत है तो आप नमक जैसे स्नैक्स वगैरह में लेते हैं तो ले सकते हैं। तो आप इसमें इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सेंधा नमक, ये देखिए। कुटी हुई काली मिर्च, इसको एक लास्ट मिक्स दे देंगे। हमने ये अपनी सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। अब आप इसको चाय के साथ स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाना भी है तो आप पहले से बना के एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए और अपने साथ बाहर भी ले जा सकते हैं। बस चाय ले लीजिए वहां पे या केटली में चाय भर ले जाइए और इसको खा लीजिए। एक हेल्थी सा स्नैक्स आपका तैयार है। यकीन मानिए आप एक कटोरी खा लेंगे तो आपको तीन चार घंटे तक भूख नहीं लगेगी। मेरे कहने पे एक बार आप बनाइएगा अवश्य। हाँ, मैं आपसे एक यहाँ पे बात करना चाह रही थी कि प्लीज अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक अवश्य करें। आपने कई लोग ऐसे हैं जो देखते भी हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है चैनल, लेकिन उसमें ना आप सब्सक्राइब करेंगे तो ना आपके पैसे उसमें जा रहे हैं ना मुझे कोई पैसा मिल रहा है। इसलिए मेरी आपसे एक यहाँ पे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एक लाइक तो बनता ही है। जय माता दी।